नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बाहरी राज्यों के लाइसेंसी हथियार और हर्स्ट फायरिंग को लेकर नया आदेश। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया 68वीं संयुक्त परीक्षा का फाइनल रिजल्ट। इंटर व मैट्रिक परीक्षा के लिए बोर्ड की है ये तैयारी। खुले में कचरा जलाने पर 25,000 रुपए तक हो सकता है जुर्माना। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक आज, कई एजेंडों पर लग सकती है मुहर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन के 150 पदों पर निकली भर्ती। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि एनसीएल के द्वारा असिस्टेंट फोरमैन के 150 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट nclcil.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक आदि उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। खुले में कचरा जलाने पर 25,000 रुपए तक हो सकता है जुर्माना। खुले में कचरा जलाने से पर्यावरण संबंधी कई परेशानियां बढ़ती हैं। दरअसल कचरा जलाए जाने से जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। इसके साथ ही मानव शरीर को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कचरा में आग लगाने एवं नाले में सर रहे कचरे से हानिकारक गैस मीथेन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। ये गैस मानव शरीर के लिए खतरनाक व जानलेवा है। इससे कैंसर, जेनेटिक डिजीज, चर्म रोग, सांस की बीमारी, एनीमिया, दांत, दमा, टीबी जैसी बीमारी होती है। ऐसे में बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा आईपीआरडी बिहार के तहत पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि खुले में कचरा जलाना दंडनीय अपराध है। इसके लिए 5,000 से 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसलिए इससे संबंध शिकायत करने के लिए पर्षद के ईमेल gribancee@bspcb.in या व्हाट्सएप नंबर 7070739278 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे दाऊद खान किला के बारे में। दाऊद खान किला भारत के बिहार राज्य में औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के कमांडर इन चीफ और बिहार के तत्कालीन गवर्नर दाऊद खान कुरैसी ने करवाया था। इसे बिहार के पर्यटन विभाग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इसका निर्माण तब शुरू किया गया जब औरंगजेब ने दाऊद खान को अंचा और मनोड़ा परगना उपहार में दिया था। इसका भूमि पूजन 1663 में हुआ था और भूमि पूजन के लगभग 10 साल बाद यह वर्ष 1673 में बनकर तैयार हुआ। ऐसी मान्यता है कि विजय प्राप्त कर लौटते समय यहां दाऊद खान ने रुककर कुछ दिन आराम किया और इस जगह की स्थापना की। बाद में औरंगजेब ने इस शहर को दाऊद खान को भेंट कर दिया। यहां पर दाऊद खान और उनके पोते अहमद खान द्वारा बनाई गई मस्जिद और सराय की झलकियां देखने को मिलती हैं। इंटर व मैट्रिक परीक्षा के लिए बोर्ड की है ये तैयारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाने वाली इंटरमीडिएट एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जिलेवार तरीके से उड़नदस्ता नियुक्त किया गया है जिसके लिए पदाधिकारी नामित कर दिए गए हैं। ऐसे में इसको लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि उड़नदस्ता के लिए नामित सभी पदाधिकारी 30 जनवरी को अपने आवंटित जिले के लिए प्रस्थान करेंगे और परीक्षा पूरी होने तक पदाधिकारी वहीं रहेंगे। बता दें कि इन पदाधिकारियों को परीक्षाओं का दैनिक प्रतिवेदन मुख्यालय को देना होगा। वहीं इन पदाधिकारियों के लिए मानदेय एवं वाहन व्यवस्था बिहार बोर्ड की तरफ से की जाएगी। मालूम हो कि पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी कि पुलिस एवं दंडाधिकारी संबंधित परीक्षा केंद्रों पर ससमय उपस्थित सुनिश्चित करें। प्रतिकूल परिस्थिति होने पर जिले के वरीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उनका समाधान निकाले। परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण के दौरान प्रतिनियुक्ति एवं अन्य कर्मी के कार्यकलाप पर विशेष निगरानी रखे। बता दें कि पूरे मामले में जल्द ही बिहार बोर्ड के स्तर से बैठक आयोजित की जाएगी।
बाहरी राज्यों के लाइसेंसी हथियार और हर्ष फायरिंग को लेकर नया आदेश। बिहार सरकार के द्वारा उत्तर पूर्व राज्यों से हथियार का लाइसेंस लिए लाइसेंसधारियों के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत इन्हें 15 फरवरी 2024 तक हथियारों का नए सिरे से सत्यापन कराना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हथियार अवैध कहलाएंगे। लाइसेंसी हथियार के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP का पालन करना है और साथ ही पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश का भी पालन करना अनिवार्य है। वहीं इसके अलावा बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से हर्ष फायरिंग को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत सरकार के द्वारा शादी समारोह जैसे महत्वपूर्ण मौके पर हर्ष फायरिंग को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है। गृह विभाग की ओर से कहा गया है कि हर्ष फायरिंग करने वालों को जेल भेजा जाएगा। बता दें कि गृह विभाग की ओर से एक बार फिर से रिमाइंडर जारी किया गया है। बालू चालान का दुरुपयोग करने वालों को अब देना होगा इतना जुर्माना। बिहार में अवैध बालू खनन के मामले को देखते हुए बालू चालान का दुरुपयोग करने वाले ठेकेदारों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि वैसे ठेकेदार जो सरकारी योजनाओं में एक ही चालान की बार बार फोटो कॉपी करके दुरुपयोग करते हैं, उनको अब इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा अब इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामले सामने आने के बाद इसकी सघन जाँच करने का फैसला लिया गया है और जाँच सही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें विभाग के ओर से राज्य के सभी जिलों के खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षकों को आदेश दिया गया है कि वे सभी सरकारी कार्य विभागों में चल रही तमाम परियोजनाओं का उपयोग हो रहे ई चालान का जांच करें। वहीं विभाग की ओर से इसको लेकर NIC को पत्र भी लिख दिया गया है। इसके अलावा इन मामलों में आरोपी पाए जाने वाले ठेकेदारों पर करीब 25 गुना अधिक तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकारी शिक्षकों को ये एक गलती करना पड़ सकता है भारी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के द्वारा लिखित तौर पर यह जानकारी दे दी गई है कि उनके स्कूल में ऐसे कोई भी शिक्षक नहीं है जो स्कूल में पढ़ाने के अलावा निजी कोचिंग में भी पढ़ाने का काम करते हैं। बता दें कि सभी जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा तैयार फॉर्मेट में यही लिखा गया है कि कोई शिक्षक नहीं। वहीं बता दें कि प्रधानाध्यापकों से मिले रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से सभी स्कूलों की जांच कराई जाएगी और अगर इस दौरान किसी शिक्षक का कोचिंग में पढ़ाने का नाम आता है तो उक्त स्कूल के प्राध्यापक के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो सके तो उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक आज, कई एजेंडों पर लग सकती है मुहर। 16 जनवरी 2024 यानी कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाने वाली है, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। वहीं 16 जनवरी को होने वाले इस कैबिनेट की बैठक को लेकर संबंधित विभागों को तैयारी करने का निर्देश जारी कर दिया गया है और साथ ही इसके लिए एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि इससे पहले की कैबिनेट की बैठक में जो 8 जनवरी 2024 को की गई थी, उसमें 19 एजेंडों में मुहर लगी थी, जिसमें खेल विभाग का गठन, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया था। साइबर फ्रॉड की शिकायत करने के लिए जाने पूरी प्रक्रिया। बिहार सरकार के गृह विभाग के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा IPRD बिहार के तहत पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि साइबर फ्रॉड की शिकायत करने के लिए पूरी प्रक्रिया क्या है। बता दें कि दिए गए जानकारी के अनुसार आप अपनी शिकायत सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड की शिकायत 24 घंटे के अंदर दर्ज कराने की कोशिश करें। वहीं इसके अलावा आप अपने नजदीकी साइबर थाना में भी लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं ऑनलाइन शिकायत के लिए सबसे पहले वेबसाइट https://cybercrime.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर रिपोर्ट साइबर क्राइम ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल अ कंप्लेंट पर क्लिक करें, टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करें और नेक्स्ट पेज पर जाएं। फिर लॉगिन करके नाम, ईमेल और फोन नंबर दर्ज करें और फिर आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी दे और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दे। इन सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां क्राइम की बाकी डिटेल देनी होगी। फिर सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, अगले पेज पर संदिग्ध की जानकारी देकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दे और फिर आपको शिकायत रजिस्टर्ड होने का मैसेज प्राप्त होगा। बता दें कि अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड, लॉटरी स्कीम, ATM फ्रॉड, फेक कॉल और इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड की शिकायत दर्ज करते हैं तो उसका आपको पूरा प्रूफ देना होगा। निजी क्षेत्र में खुलेंगे 7 फार्मेसी कॉलेज, सरकार को दिए आवेदन।
बहुत जल्द ही प्रदेश में निजी क्षेत्र के 7 फार्मेसी कॉलेज खुलने वाले हैं। इसको लेकर 7 संस्थानों के द्वारा सरकार को आवेदन दे दिया गया है। हालांकि सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही यह तय किया जा सकेगा कि जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें से कितने पर अनुमति दी गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के जिन स्थानों पर सरकार को फार्मेसी कॉलेज खोले जाने के लिए आवेदन दिया गया है उसमें भागलपुर के नवगछिया, सारण में मशरक, मुजफ्फरपुर में माधोपुर सुस्ता, नालंदा में दीपनगर, औरंगाबाद में ओबड़ा, बेगूसराय में तेघड़ा और लखीसराय शामिल है। मालूम हो कि निजी क्षेत्र से आवेदन मिलने के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंडों के अनुसार संबंधित संस्थानों की आधारभूत संरचना की जांच निरीक्षक के लिए अलग अलग जांच कमेटियों का गठन किया गया है जिनके द्वारा संबंधित संस्थानों में जाकर आधारभूत संरचना और शैक्षणिक माहौल का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपा जाएगा और फिर सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अनिल सिन्हा के बारे में। अनिल सिन्हा का जन्म आज ही के दिन 1956 में हुआ था। यह 1979 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और 2 दिसंबर 2016 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक थे। इन्होंने विशेष सुरक्षा समूह नई दिल्ली में DIG और IG और केंद्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया। अनिल सिन्हा ने अपने राज्य कैडर में सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासन विशेष शाखा और अन्य प्रभागों में SP, DIG, IG और ADG के रूप में कई पदों पर कार्य किया। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था के रूप में कार्य किया है और उसके बाद अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में उन्होंने सतर्कता जांच ब्यूरो का भी नेतृत्व किया। वह कई संवेदनशील मामलों की जांच से जुड़े रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या में ट्रैप मामले और भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले शामिल हैं। उन्हें 2000 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और 2006 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त हुआ था। बिहार सरकार खरीदेगी 2000 बॉडी वॉर्न कैमरा। राज्य में ट्रैफिक के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जा सके और तेज रफ्तार वाहनों पर ब्रेक लगाया जा सके और संवेदनशील मार्गों पर निगरानी रखी जा सके, इसको लेकर बीते कुछ दिनों से बिहार सरकार के द्वारा तकनीकी क्षमता को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के द्वारा 2000 बॉडी वॉर्न कैमरा खरीदने की योजना बनाई गई है जिसे वर्दी में फिट की जाएगी। बता दें कि इस कैमरे में डाटा 15 दिनों तक स्टोर रह सकता है और साथ ही इस कैमरे को GPS से कंट्रोल रूम से भी जोड़ा जा सकता है। इसकी कीमत लगभग 3500 रुपए है। वहीं इसके अलावा सरकार की ओर से 33 इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद की योजना को भी हरी झंडी दिखाई गई है जिसकी मदद से सड़क पर एक साथ दौड़ते कई वाहन पर नजर रखी जा सकती है। निकट से गुजरने वाले वाहनों की तत्काल स्कैनिंग कर लेते हैं। वहीं इन सबके अलावा राज्य के सभी जिलों में नए सिरे से 250 प्रवर्तन अवर निरीक्षक और 500 सिपाही को तैनात किया जाएगा। बिहार में पुराने होटल को 4-स्टार और 5-स्टार में बदलने के लिए सरकार से पाए सब्सिडी। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके इसको लेकर बिहार सरकार की ओर से नई पर्यटन नीति के तहत पर्यटन में निवेश करने पर एक मुश्त और ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत पुराने होटल को 4-स्टार या 5-स्टार में बदलने के लिए सरकार की ओर से सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए न्यूनतम 2.50 करोड़ रुपए निवेश करना होगा। बता दें कि होटल, रिजॉर्ट और अन्य पर्यटकीय सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपए तक निवेश करने पर अधिकतम 30% यानी कि 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा 50 करोड़ तक निवेश करने पर 25% यानी कि 10 करोड़ रुपए सब्सिडी और 50 करोड़ से अधिक निवेश करने पर 25% यानी कि 25 करोड़ रुपए तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। मालूम हो कि सब्सिडी की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर 50%, वाणिज्यिक संचालन के 2 वर्ष पूरा होने पर 25% और वाणिज्यिक संचालन के 5 वर्ष पूरा होने पर बचा हुआ राशि 25% के रूप में की जाएगी। बिहार में 2 चरणों में शुरू होगा विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्ती। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक जय सिंह के द्वारा आदेश जारी करते हुए यह कहा गया है कि बिहार के 38 जिलों में 2 चरणों में विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्ती का कार्य शुरू किया जाएगा जिसके पहले चरण के तहत 20 जिलों में और दूसरे चरण के तहत अन्य 18 जिलों में इस कार्य को पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी तक इसके लिए तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इस दिशा में कार्य योजना बनाने की शुरुआत कर दी गई है और साथ ही इस संबंध में सभी जिलों के समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता व भूमि सुधार उप समाहर्ता समेत अन्य को जानकारी दे दी गई है। बता दें कि इसको लेकर सभी जिलों को अविलंब की गई तैयारी के बारे में रिपोर्ट देने को कहा गया है। मालूम हो कि इस कार्य को करने के लिए प्रत्येक अंचलों में 1-1 प्रभारी, 2 सर्वेक्षण कानूनगो, 2 लिपिक और 1 विशेष सर्वेक्षण अमीन के साथ 1-1 विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त शिविर लगाया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया 68वीं संयुक्त परीक्षा का फाइनल रिजल्ट।
बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 68वीं संयुक्त परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 322 अभ्यर्थियों के द्वारा सफलता हासिल की गई है। सफल अभ्यर्थियों में अनारक्षित कोटि के अंतर्गत 400, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत 78, अनुसूचित जाति से 120, अनुसूचित जनजाति के 13, अत्यंत पिछड़ा कोटि में 122, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 120 और पिछड़ा वर्ग की महिला कोटि में 16 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं अगर बात करें इस परीक्षा में सफलता पाने वाले टॉप 10 परीक्षार्थियों के बारे में, तो प्रियांगी मेहता पहले स्थान पर आई हैं, तो वहीं दूसरे स्थान पर अनुभव, तीसरे पर प्रेरणा सिंह, चौथे पर अंजलि जोशी, पांचवे पर सौरव रंजन, छठे पर आसिम खान, सातवें पर अंजलि प्रभा, आठवें पर अनुकृति मिश्रा, नौवें पर आकाश कुमार और दसवें नंबर पर मीमांसा है। बिहार में ठंड का कहर जारी, बिहार प्रचंड शीतलहर से थरथरा रहा है। ठंड की वजह से पूरे प्रदेश में लोग ठिठुर रहे हैं। बर्फीली पछुआ हवा के कारण तापमान में लगातार कमी हो रही है और इसमें अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुमान के अनुसार बिहार में अगले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने बिहार में आगामी 18 जनवरी तक ठंड में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होने का पूर्वानुमान बताया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। आईएमडी बिहार के द्वारा आज यानी कि 16 जनवरी को जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भागों के एक या दो स्थानों में भीषण शीत दिवस होने की संभावना जताई गई है और राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के एक या दो स्थानों में बहुत घना कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके अलावा राज्य के शेष भागों के कुछ स्थानों में शीत दिवस और घना कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंगेर में यहां बनेगा करोड़ों की लागत से खेलकूद स्टेडियम। राज्य में खेल और खेल प्रेमियों को बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर बिहार के मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड के झौवा विहार में करीब 1.84 करोड़ रुपए और धरहरा प्रखंड के मानगढ़ में करीब 1.80 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जाने वाला है। दोनों जगहों पर करीब 200 मीटर की ट्रैक युक्त स्टेडियम बनेगा। बता दें इसको लेकर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम पटना के द्वारा प्रथम चरण में होने वाले निर्माण कार्य को लेकर निविदा भी जारी कर दी गई है और इस साल इसके निर्माण कार्य की भी शुरुआत हो जाएगी। वहीं दूसरी जमालपुर विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अब जमालपुर के इंद्रुख मौजा स्थित सरकारी जमीन पर भी स्टेडियम निर्माण की कवायद तेज हो गई है। जमीन की मापी कराई गई है, हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से अब तक आदेश नहीं मिला है, लेकिन इस साल जमालपुर को भी स्टेडियम मिल जाएगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के निधन पर सीएम नीतीश ने व्यक्त किया शोक। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा अपने शोक संदेश में कहा गया है कि स्वर्गीय मुनव्वर राणा मशहूर शायर और कवि थे। वे उर्दू के अलावा हिंदी और अवधी भाषाओं में लिखते थे। उनको उर्दू साहित्य के लिए 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मुनव्वर राणा के निधन से साहित्य जगत, खासकर उर्दू साहित्य जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वे उन्हें जन्नत में अहम मकाम अता करें और उनके परिवार वालों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की ताकत दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा का रविवार देर रात दल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 71 साल के थे। वह पिछले कई दिनों से लखनऊ के PGI में भर्ती थे। उन्हें किडनी व हृदय रोग से संबंधित समस्या थी। सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। बीते दिन मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में स्थित बीजेपी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई गणमान्य नेता लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा पहले लालू का राजनीतिक करियर बर्बाद किया गया और अब नीतीश कुमार ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा ममता दीदी का बहाना बनाकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि वह समाजवादियों को बर्बाद करना चाहती है। अब इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं बचा है और जो कुछ बचा है वो बहुत जल्द ही सामने दिखेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सोचकर विपक्षी दलों को एकजुट किए थे और अब क्या हो गया, यह बात वो खुद नहीं जानते। यह सब कांग्रेस ने करवाया है। उन्होंने कहा कि यह बात अब उनको समझ में आ गई है। यही कारण है कि वह इंडिया गठबंधन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सीट शेयरिंग पर खुलकर कही अपने दिल की बात। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री के बेहद खास माने जाने वाले वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से कहते रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द हो जानी चाहिए। अगर समय रहते सीट शेयरिंग नहीं हुई तो सभी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को सीट
बंटवारे पर तेजी लानी चाहिए। जिन भी दलों को जिन जिन राज्यों में प्रभाव है उन्हें आपस में बैठकर सीटों के बंटवारे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी गठबंधन की अंतिम सफलता सीटों के सही और सटीक बंटवारे पर निर्भर करती है। उसी से गठबंधन के प्रभावी होने का मामला भी जुड़ता है। सीट शेयरिंग पर अगर कांग्रेस का रुख साफ नहीं है तो वो कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ यही समझते हैं कि गठबंधन के सभी दलों को रणनीति बनाकर चुनाव अभियान में जुट जाना चाहिए। डी फेक वीडियो का शिकार हुए सचिन तेंदुलकर। इन दिनों सोशल मीडिया पर आए दिन डीप फेक वीडियो वायरल होते रहते हैं। इसी कड़ी में अब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक वीडियो के शिकार हो गए और इसको लेकर उन्होंने अपने फैंस को भी आगाह किया है। बता दें कि वीडियो में सचिन तेंदुलकर के विजुअल से छेड़छाड़ की गई है, जिससे ऐसा लगे कि तेंदुलकर ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। तेंदुलकर ने वीडियो से छेड़छाड़ को जब देखा तो अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। आप सबसे विनती है कि ऐसे वीडियो या ऐप या विज्ञापन आपको अगर नजर आए तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी सावधान रहना चाहिए और इनके खिलाफ की गई शिकायत पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। उनकी भूमिका इस बारे में बहुत जरूरी है, ताकि गलत सूचना और खबरों को रोका जा सके और डीप फेक का दुरुपयोग खत्म हो। सचिन तेंदुलकर ने इस वीडियो में महाराष्ट्र साइबर पुलिस, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी टैग किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता में 1769 को पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। 1955 में खड़गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का पुणे में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। ब्रिटेन एवं भारत के बीच 1992 में प्रत्यर्पण संधि हुई। 2003 में दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर भारतीय मूल की कल्पना चावला रवाना हुई। क्रिकेट में उत्तर प्रदेश को 2009 में हराकर मुंबई ने रिकॉर्ड 38वीं बार रणजी चैंपियनशिप जीती। 1946 को अभिनेता कबीर बेदी का जन्म हुआ। 1927 को हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री तथा टीवी कलाकार कौशल का जन्म हुआ। 1926 को प्रसिद्ध संगीतकार ओपी नैयर का जन्म हुआ। 1630 को सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय का जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक राष्ट्रवादी महादेव गोविंद रानाडे का 1901 में मृत्यु हुआ। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की 1938 में निधन हुआ। प्राच्छायवादी युग के महत्वपूर्ण कवि राम नरेश त्रिपाठी की 1962 में मृत्यु हुई। भारतीय संस्कृति के प्रचारक, शिक्षाविद और प्रसिद्ध लेखक टी.एल. वासवानी की 1966 में मृत्यु हुई। मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक प्रेम नजीर अब्दुल खादिर की 1989 में मृत्यु हुई। वायरल में आज हम बात करेंगे बीएसएफ इंडिया के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बीएसएफ इंडिया के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक चैनल सूरमा वार्ता का दावा है कि बीएसएफ इंडिया पशु तस्करों को सचेत करने और उन्हें भागने देने के लिए हवा में 40 राउंड गोलियां चलाई। पीआईबी ने अभी ट्वीट में आगे लिखा कि यह दावा फर्जी है। बीएसएफ कभी भी यादृच्छिक या अनियंत्रित गोलीबारी का सहारा नहीं लेती है और सीमा क्षेत्र में घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए सभी प्रयास कर रही है। व्हाट्सएप में आया ऑटो अपडेट का फीचर। व्हाट्सएप में एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल अभी तक यूजर्स को व्हाट्सएप के लेटेस्ट अपडेट का पता करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सएप ऐप का स्टेटस देखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यूजर्स को व्हाट्सएप के अंदर मौजूद सेटिंग्स में ही अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। व्हाट्सएप में आने वाले नए फीचर्स की जानकारी देने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के जरिए एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया बीटा वर्जन 2.24.2.13 रोल आउट किया है। इस नए बीटा वर्जन अपडेट के साथ व्हाट्सएप अपने ऐप में ऑटो ऐप अपडेट फीचर लॉन्च कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के नए फीचर का नाम ऐप अपडेट्स है। यह फीचर इस वक्त रोलिंग आउट स्टेटस में है। इस फीचर के जरिए यूजर्स को व्हाट्सएप की सेटिंग के अंदर ही ऐप के लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन और ऑटो अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस वजह से यूजर्स को व्हाट्सएप का नया अपडेट पता करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। व्हाट्सएप ने इस अपडेट को फिलहाल सिर्फ चुनिंदा बीटा यूजर्स के लिए ही रोल आउट किया है। सेंसेक्स पहली बार 73,000 अंक के पार। बीते दिन यानी कि कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बाजार में लगातार पांचवें दिन की बढ़त देखने को मिली। बता दें कि बीते दिन अंत में सेंसेक्स 759.49 अंक या 1.05% बढ़कर 73,327.94 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 203.00 अंक या 0.93% बढ़कर 22,097.50 पर बंद हुआ। वहीं अगर हम बात करें कि बीते दिन कौन से शेयर टॉप गेनर रहे, तो उसमें विप्रो, ONGC, HCL टेक्नोलॉजी, इंफोसिस और भारती एयरटेल के नाम शामिल है। वहीं
वहीं अगर हम बात करें कि बीते दिन कौन से शेयर टॉप गेनर रहे तो उसमें विप्रो, ONGC, HCL, टेक्नोलॉजी, इंफोसिस और भारती एयरटेल के नाम शामिल रहे। वहीं अगर हम बात करें कि बीते दिन टॉप के लूजर शेयर के बारे में तो उसमें HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, हिंडालको इंडस्ट्रीज और आयशर मोटर्स के शेयर शामिल रहे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मॉरिसस, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मॉरिसस। अगला सवाल, हाल ही में कहां में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उदयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किस परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राम सेतु परियोजना, ऑप्शन बी गंगा सेतु परियोजना, ऑप्शन सी अटल सेतु परियोजना, ऑप्शन डी यमुना सेतु परियोजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अटल सेतु परियोजना। अगला सवाल, बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत क्या है? ऑप्शन ए 1012.5 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 993 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1314 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1153 मिलीमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1012.5 मिलीमीटर। अगला सवाल, बिहार में किस फल की सर्वाधिक खेती होती है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी कटहल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लीची। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है खुशी शर्मा, उमेश रसदेव, मुकेश शाह, रामनवी मांझी, कोनर शर्मा, राजीव कुमार, फारूक कुमारी, गुंजा कुमारी, अंजुम खातून, पुष्पम कुमार, राजकिशोर महतो, मुन्ना कुमार, शोभानंद ठाकुर, नेहा राज, पंकज कुमार दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का कितना महत्व है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।